हेलो एवरीवन, अब आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे कंक्रीट का। स्टार्टिंग के हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि कंक्रीट क्या है, ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। उनके इंग्रेडिएंट्स में हमने देखा था कि हम लोग क्या क्या उसमें ऐड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज हम लोग देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट कौन कौन से होते हैं, हम लोग एडमिक्सचर्स कौन कौन से ऐड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। हमने वाटर देखा था, वाटर कैसा रहना चाहिए, क्वालिटीफुल रहना चाहिए, जो कि ड्रिंकिंग वाटर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट में हमने पहले ही देखा था कि एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए इस ग्राफ में एग्रीगेट की क्वांटिटी टोटली होना चाहिए 65 to 80% वॉल्यूम रहना चाहिए टोटल कॉन्क्रीट में। ठीक है, तो देखिए एग्रीगेट कैसे होता है, एग्रीगेट ऑक्यूपाय 60 to 80% वॉल्यूम। ठीक है, और उसमें क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट में, सैंड यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवल यूज़ कर सकते हैं, क्रश स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, और ये सब क्या है, प्राइमरी एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, ऑल एग्रीगेट्स में भी फ्री फ्रॉम द सिल्ट एंड द ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्वियस है, नहीं तो क्या होगा, हो जाएगा उसमें वॉइड्स फॉर्म हो जाएंगे, वॉइड्स फॉर्म होगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी लो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या, इट इज़ नथिंग बट द सप्लीमेंट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है या फिर मुझे डैम बनाना है, तो मैं वाटर को कितने देर तक के रोक सकती हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जल्दी हार्डेंट वाला कॉन्क्रीट लेना पड़ेगा। अब ये हार्ड जल्दी कैसे होगा, ड्यू टू दिस एडमिक्सचर्स। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर और द फ्लूइड, ठीक है, आर एडेड टू द कॉन्क्रीट टू गिव द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक not obtainable with the plain concrete mixes. Admixtures are the ingredient other than the Portland cement, water and the aggregates. Admixtures are added to the concrete mixture immediately before or during the mixing. It is use of the admixtures in concrete is now whispered due to the many benefits. It reduces the amount of water requirement. I said na, improving the property of the concrete nothing but okay. Control the setting behavior, maybe fast or the slow. It improves the workability, durability, strength of the concrete. And in normal uses, the admixtures doses is less than 5% by the mass of the cement and added during the batching or the mixing, okay, if it is required. And this is only the supplement to improve the property of the concrete. Now the cement, you know, we will use the Portland cement, we will use, that's why the Portland cement is finely grounded calcium silicate and the calcium aluminate of various compositions when mixed with the water to form the plastic mass and end to the rigid continuously structure for the compressive strength. Okay, cement contain the limestone, clay, cement rock, we know, we already seen this, what is cement. Gypsum is also added to the control setting time also. And disilicate is a main binder phase of the Portland cement. Okay, nothing but cement क्या है, ये क्या है, binding material है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने water लिया, cement लिया, aggregate लिया, इन तीनों को mix किया, paste बनाया, और अगर required है तो हम लोग क्या use करेंगे, उसमें admixtures use करेंगे उसकी property को increase करने के लिए। अब देखते हैं कि steps कौन कौन से हैं concrete के। Steps are selecting the quality of material, ठीक है, क्वांटिटीज़ कौन कौन से, सीमेंट, वाटर एंड दिस इज। उसके बाद में हमने क्या किया, वाटर और सीमेंट को मिक्स किया, उसमें क्या किया, एग्रीगेट डाला और मिक्स किया। ठीक है, उसके बाद में टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में। ओके, फिर अगर वो सही हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे ब्रिज में यूज़ करना है तो अलग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, अब हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कैसे है, ठीक है, बाद में। फिर हमने क्या किया, वो बन गया, टेस्टिंग क्लियर आई, फिर हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, आपको पता है वो घूमने वाला जो मिक्सचर मशीन रहता है उससे, ठीक है, ट्रक के थ्रू। फिर हमने क्या किया, फॉर्मवर्क बनाया, ठीक है, फॉर्मवर्क बनाया मतलब एक ढांचा बनाते हैं, जैसे कि अगर मुझे कॉलम बनाना है, ऑब्वियस है कॉन्क्रीट क्या है, पेस्ट है, तो मैंने क्या किया, कॉलम बनाया, ढांचा बनाया कॉलम का विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मवर्क, और उसमें क्या किया, पोर किया, ठीक है, फिर उसको वाइब्रेट किया, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उसके जो वॉइड्स है या फिर उसमें जो एयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और वो अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, कुछ देर बाद जब वो हार्ड हो गया, उसमें से हाइड्रेट निकल गया वाटर, फिर क्या करेंगे, उसका फॉर्मवर्क को निकाल लेंगे कुछ दिनों बाद, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, क्या करते हैं, पानी डालते हैं, है ना। दैट आर द डिफरेंट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट। ओके, दिस आर द पैटर्न।